हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रास्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम स्टडीज का क्लास नंबर 2, जिसमें हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम क्या होता है। तो इसी के कंसेप्ट और प्रिंसिपल का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट देखेंगे, फिलोसफिकल कंसेप्ट देखेंगे। सो करिकुलम का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो करिकुलम है, उस करिकुलम का प्लानिंग कैसे करते हैं। तो प्लानिंग तो हमने कर लिया कि हमने एक प्लान कर लिया कि हम बीएड का सपोज करिकुलम बना रहे हैं, तो करिकुलम हमने प्लान कर लिया कि हम बीएड का किस तरह से करिकुलम बनाएंगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से उसका एवेलुएशन करेंगे, किस तरह से उसको लागू करेंगे, किससे उसका मूल्यांकन करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब उसी चीज़ से रिकनेक्ट करते हैं कि ये करने के बाद अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा बेस क्या होगा। बेस का मतलब होता है आधारशिला हिंदी में। तो बेस, किस बेस पे आप अपनी बिल्डिंग को खड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग ईंटों का बनाते हैं, कुछ लोग आयरन का बनाते हैं, लाइक जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, वैसे ही करिकुलम के भी बेस होते हैं। जैसे एजुकेशन के 3 बेस हैं, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। इसी तरह से करिकुलम के भी 3 बेस हैं, जिसमें सबसे पहला बेस है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। सो करिकुलम का फिलोसफिकल बेस दार्शनिक आधार, जिसमें हम देखेंगे कि क्या दार्शनिक आधार है करिकुलम का। सो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फिलोसफी है, ये एजुकेशन में दो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कि फिलॉसफी और एजुकेशन, ना तो एजुकेशन के बिना फिलॉसफी है, ना फिलॉसफी के बिना एजुकेशन है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। जहाँ पे फिलॉसफी एक सिद्धांतिक आधार प्रदान करती है शिक्षा को, वहीं पे एजुकेशन उसको गत्यात्मक डायनेमिक वे देती है। एजुकेशन इज प्रैक्टिकल इन नेचर एंड फिलॉसफी इज थ्योरेटिकल। तो फिलॉसफी क्या है, सिद्धांतों का निर्माण कर दिया कि शिक्षा को आदर्शवादी होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। अब उसको प्रैक्टिकल वे में वैल्यूज कौन डेवलप करेगा, तो वो उसका काम करती है एजुकेशन। तो एक ही जो कॉइन है, अगर उस कॉइन के दोनों पहलुओं की बात की जाए, तो एक अगर एजुकेशन है, तो दूसरा यहाँ पे क्या है, फिलॉसफी है। साथ ही एजुकेशन डायनेमिक प्रोसेस है फिलॉसफी का, साथ ही फिलॉसफी एंड एजुकेशन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, द प्योरसिट ऑफ विजडम। तो ज्ञान का जो बेस है, जो रियलिटी का जो स्टडी करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, दर्शन में करते हैं। इट इज मेयर नॉट थ्योराइजिंग बट डील्स विद द रीजन एंड रीजन ऑफ थिंग्स। तो जो भी नेचर है, उन चीज़ों का जो स्टडी करते हैं हम, थ्योरी के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, जो भी रीजन्स होते हैं, तर्क होते हैं, उन सब का जो स्टडी करते हैं। एंड फिलॉसफी इज वे ऑफ लाइफ। फिलॉसफी क्या है, जीवन के जीने का एक तरीका है, जिसमें हम किस तरह की लाइफ, जैसे मैं कहूँ कि आप लोग कहते होंगे ना दूसरे लोगों से कि आपकी ज़िंदगी का क्या फिलॉसफी है, अरे आपकी ज़िंदगी बस यही फिलॉसफी है, तो हम लोग ऐसे दूसरे लोगों को बोलते भी हैं। तो फिलॉसफी क्या है कि हमारे, मेरी फिलॉसफी अलग है लाइफ की, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। तो फिलॉसफी क्या है, ज़िंदगी का एक रास्ता है जिसपे हम चलते हैं, और जो भी थ्योरेटिकल है, बट एक जो चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है सोचने के लिए, भगवान है या नहीं है, है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो चीज़ों को लेके रीज़न सोचने, तर्क करने का आधार हमको प्रस्तुत करती है फिलॉसफी। साथ ही हम रियलिटीज़ का स्टडी करते हैं, कोई मर गया है तो क्यों मर गया है, ठीक है, मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे, रियलिटीज़, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, तो रियलिटीज़ का हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान का आधार है, जैसे अगर ये कहा जाए कि ये वैल्यू आपके लिए बहुत अच्छी है, कि आपके कोई भी आदर्शवादी सिद्धांत है कि शिक्षा को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर होना चाहिए, ये वैल्यू किसी टाइम थी, तो ये आज के टाइम पे इसको सही नहीं माना जाता है। तो विजडम जो ज्ञान है, वो उसका बेस कौन है, यहाँ पे फिलॉसफी है। गाइज, 2 नए टर्म थे, एक था पैरेललिज्म एंड एसेंशियलिज्म। कई सारे लोगों ने इसको लेके मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैं पहले तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताती थी। पैरेललिज्म क्या होता है, द फोकस इन द करिकुलम इज ऑन द क्लासिकल सब्जेक्ट लिटररी एनालिसिस एंड कंसीडर्स करिकुलम एज कॉन्सेंटेंट। जैसे कि कोई चीज़ है,
तो वो अगर एकदम से स्थिर है, क्लासिकल का मतलब जैसे पुरानी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों पे जब हम स्टडी करते हैं और यहाँ पे एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, तो वो एक जो उसका जो फोकस है करिकुलम का, तो इस तरह का जो करिकुलम है वो किससे रिलेटेड होगा, पैरेललिज्म से रिलेटेड है, और दूसरा टर्म है यहाँ पे एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म में जहाँ हम द एसेंशियल स्किल्स ऑफ द 3 आर्स एंड द एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम, तो जहाँ पे हम 3 आर्स की बात करते हैं, किसी के अंदर क्या एसेंशियल स्किल होनी ही चाहिए, यानी कि किसी का मूलभूत गुण, या कह सकते हैं कि उसके करेक्टर की जो मेन क्वालिटीज़ है, यानी कि जो व्यू फोकस पॉइंट है। तो एसेंशियलिज्म जो बिलीव करता है थिंग्स हैव अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक विच मेक दैम वॉट दे आर एंड दैट द टास्क ऑफ साइंस एंड फिलोसफी इज देयर डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन। तो जो ये व्यू पॉइंट है कि फिलोसफी के अंदर, तो ट्रेडिशनल की जब हम बात करेंगे तो ट्रेडिशनल में हमारा आता है पैरेललिज्म। तो ये पूरी तरह से एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, जहाँ पे पैरेललिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्थायित्ववाद, यानी कि चीज़ें कैसी रहनी चाहिए वैसी रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, है ना, क्लासिकल अप्रोच की बात करता है। और वहीं पे एसेंशियल चीज़ों को बदलते रूप में लेता है, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। सो यहाँ पे 3 आर्स की बेसिकली हम बात करते हैं। सो यहाँ पे जो 3 आर वर्ड है, एक फेस की तरह यूज़ किया जाता है। 3 आर का यहाँ पे मतलब है कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमैटिक, जो 3 ये स्किल हैं, ये हर किसी के अंदर एसेंशियल स्किल होनी ही चाहिए। तो इस तरह का जो करिकुलम है उसको हम एसेंशियलिज्म से रिलेटेड कर सकते हैं, और जो करिकुलम पुरानी क्लासिकल चीज़ों की बात करता है उसको हम पैरेललिज्म से रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्रेसिज्म एंड आपका रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्संरचनावाद, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि दोबारा से चीज़ों को खड़ा करना। प्रोग्रेसिविज्म का मतलब है कि किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। तो अगर ये सारे फिलोसफी के टर्म्स हैं, आप इनको ऐसे ही याद कर लें। प्रोग्रेसिविज्म में जो इस तरह का करिकुलम होगा वो फोकस करेगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे, उसकी प्रॉब्लम्स पे, उसकी क्या प्रॉब्लम है ना, इस तरह का उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिविज्म यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना, किसी की प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना, तो उसको बोलेंगे हम प्रोग्रेसिविज्म से रिलेटेड है। अब रिकंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि द फोकस ऑफ द करिकुलम इज ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, जो भी अभी जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस ट्रेंड में हो गई तो हमने इस तरह का बना लिया, ठीक है, अब फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है, तो उस तरह से इस तरह रिकंस्ट्रक्टिव पुनर्संरचनावाद इसको बोलते हैं। तो इस तरह के ये 4 टर्म हैं जो करिकुलम में यूज़ किए जाते हैं, पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्ट। अब इनको क्या करना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा हो, तो आप इन 4ों को लिख लीजिएगा और इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, और करिकुलम से रिलेट करके याद करिए। ये फिलोसफी के वर्ड हैं 4ों, 4 डिफरेंट टाइप के व्यू पॉइंट हैं फिलोसफिकल, इन्हीं को हम करिकुलम के व्यू पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडियलिज्म। तो जिस तरह से आपका पैरेललिज्म है, इसी तरह से आइडियलिज्म भी है। तो आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है। आइडियलिज्म के अंदर आइडिया को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि सारी चीज़ों का जो बेस है वो क्या है, आइडिया है, विचार है, आदर्श है, वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी जाती है। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होगा। अगर मैं आइडियलिज्म को मानती हूँ तो मेरा जो सब्जेक्ट, जो करिकुलम बनाऊंगी वो किसको, किस सब्जेक्ट को सेंटर, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, एंड माइंड और स्पिरिट द एसेंशियल वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मन को और आत्मा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाएगी। साथ में बुक्स आर कंसिडर्ड एज द टीजर हाउस ऑफ नॉलेज, तो बुक्स को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके बाद टीचर इज कंसिडर्ड एज द अथॉरिटी एंड सर्व्स एज अ लिविंग आइडियल, तो टीचर को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो अगर कोई पर्सन जो आदर्शवादी है या जो आइडियलिज्म का फॉलोअर है, अगर उसका करिकुलम होगा तो ये 4ों चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा।
अगर बात करें रियलिज्म की या यथार्थवाद की, तो यथार्थवादी व्यक्ति जब करिकुलम बनाएगा या यथार्थवाद के अनुसार करिकुलम बनाया जाएगा, तो यहाँ पे मैटर पदार्थ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, यहाँ पे जो डेवलपिंग द रैशनल पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल पर्सन यानी कि बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी, एंड फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल आर गिविन प्रायोरिटी, यहाँ पे फिजिकल साइंस और यहाँ पे मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके साथ सब्जेक्ट आर चूजन बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया जाएगा वो उसकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा। इसके बाद है आपका प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं आपका व्यवहारवाद या उपयोगितावाद। तो प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है कि कोई भी अगर चीज़ है उसका प्रैक्टिकल क्या यूज़ है। सो मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज, यहाँ पे ये आइडियलिज्म के जस्ट अपोजिट है, ये वैल्यूज को खुद हम लोग क्रिएट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, एडवोकेट करता है साइंटिफिक मेथड एंड टू सॉल्व मैन प्रॉब्लम। सो जो कोई भी पर्सन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है और साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपके एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे आप चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ सेंटर करिकुलम, तो लाइफ को सेंटर करते हुए यहाँ पे करिकुलम बनाया जाता है। नो नॉलेज इज फाइनल और एटर्नल, यानी कि कोई भी नॉलेज फाइनल नॉलेज नहीं है कि बस ये अंतिम सत्य है, अगर ये बाबा जी ने कह दिया तो ये एक लास्ट सत्य हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये दर्शन किस तरह का है, वैज्ञानिक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की जाती है। तो जब तक चीज़ों को आप करके नहीं देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ नहीं लेते हैं, तब तक वो सही नहीं माना जाएगा। अगर बात करें नेचुरलिज्म की, सो नेचुरलिज्म में बात की जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन की, है ना, आपके खुद का नेचर कैसा है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अंदर से आप क्या चाहते हैं, आपका नेचर कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जैसा नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देनी चाहिए। सेंसरी ट्रेनिंग की बात करता है कि जो भी आपके सेंस ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग सेंसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। रीडायरेक्शन एंड सबलिमेशन ऑफ नेचर इंस्टिंक्ट, तो यहाँ पे रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ नेचर इंस्टिंक्ट, तो जैसे भी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, मूल जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे आपके अंदर बहुत सारी भूख प्यास नींद ये सब मूल प्रवृत्तियाँ इंस्टिंक्ट्स हैं, सो इन सब के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। अब देखेंगे सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, तो जिस तरह से फिलोसफिकल बेसिस हैं उसी तरह से इसके सोशोलॉजिकल बेसिस हैं। सो गाइस सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है, अगर एक साथ बात करें कि किसी भी करिकुलम में सोशियोलॉजिकल या समाजशास्त्री आधार का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जो समाजशास्त्र है या सोशियोलॉजी है वो बेसिकली कल्चर से रिलेटेड होता है, किस तरह से किसी भी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट सोशली उसका किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सके, कि हमें आफ्टर ऑल एक समाज में रहना है तो उस समाज में रहने के लिए किस तरह से उस व्यक्ति का डेवलपमेंट किया जा सके। सो टू प्रिजर्व द कल्चर एंड ट्रांसमिट इनटू द यंग जनरेशन, देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने कल्चर हैं जो हमको पता है कि ये काम पहले से हमारे यहाँ होता है, तो हम सब अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं और इस कल्चर को आगे यंग जनरेशन में भी ट्रांसमिट किया जाता है। तो किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए हमें सोशियोलॉजिकल टाइप का जो करिकुलम है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह से करिकुलम बनाया जाता है कि उसमें जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बनी रहें, टू हेल्प लर्नर्स मेंटेन द प्रेसिंग सोशल नीड्स, ठीक है, हर किसी पर्सन की कुछ सोशल नीड्स होती हैं, तो लर्नर किस तरह से उन चीज़ों को मेंटेन करे, टू प्रिपेयर द लर्नर फॉर फ्यूचर सोसाइटी, ठीक है, आने वाली सोसाइटी के लिए हमको भी तैयार करना, साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल। तो किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव, यानी कि आप चीज़ों को बनाना सीखें, किस तरह से आप नए आइडियाज़ क्रिएटिव आउटलुक किसी का कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, साथ ही फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल ऑफ द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड
ऑब्जेक्टिव्स जो तो फ्लेक्सिबल चेंजेस कैसे चीज़ों को लेके कई सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो फॉर द इफेक्टिव रियलाइजेशन कि आपको किस तरह से इफेक्टिवली चीज़ों को समझ में आए, सोशल जो वैल्यूज़ हैं तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको हम फुलफिल कर सकें, एंड करिकुलम शुड रिमेन अबव कास्टिज्म एंड जो आपका रिलीजन है, सो रिलीजन जो भी रिलीजन है तो उन सब चीज़ों को भी हमारे अंदर किस तरह से उनके ऊपर उठ के हम सोच सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बदल सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे हमारा आज का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को होना चाहिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें जैसे रिलीजन है, कास्ट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो ये सोशल टर्म में आएगा तो इसलिए यहाँ पे हम इनकी बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे जो करिकुलम है इसका जो साइकोलॉजिकल बेसिस है, तो साइकोलॉजिकल बेस में क्या क्या आएगा करिकुलम में, ह्यूमनिज्म यानी कि यहाँ पे मानवतावाद की बात होगी, यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात होगी, व्यवहारवाद की बात होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टनिज्म की बात होगी, पुनर्संरचनावाद की बात होगी, साथ में यहाँ पे कॉग्निटिज्म की बात होगी, संज्ञानवाद की। तो ये जो चार पॉइंट हैं ये आपके किससे रिलेटेड हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेसिस से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइकोलॉजिकल बेस है, कौन सा फिलोसफिकल बेस है, कौन सा यहाँ पे हमारा सोशियोलॉजिकल बेस है। बिहेवियरिज्म क्या होता है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सके, देखा जा सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म, जिसमें हम स्टिमुलस देते हैं, उद्दीपन देते हैं और अनुक्रिया का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा वेरी गुड, तो ये मैंने आपको क्या दिया, एक स्टिमुलस दिया, तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या आया कि आपने स्माइल किया, तो ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह से हम स्टडी करते हैं बिहेवियर के, या मैंने कहा वेरी बैड किसी भी आपके आंसर पे, तो वेरी बैड किया तो आपका जो रिएक्शन आया वो कैसा आया कि आप उदास हो गए, तो ये जो स्टिमुलस था उसके बाद जो रिस्पांस हुआ इसको मैं स्टडी करूंगी कि क्या कहने पे बच्चा खुश हुआ, क्या कहने पे बच्चा रोने लगा, तो ये क्या है आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एक देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म बोलते हैं। सो मोटिवेशन टू लर्न इज अज्यूम टू बी ड्राइवन फ्रॉम ड्राइव्स मोटिव्स, तो जो भी मोटिवेशन है कि लर्न करने के लिए जो आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, सो वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आप यूजीसी को पढ़ रहे हैं, आप जॉब आपको चाहिए, तो ये जो ड्राइव्स हैं, जो कौन है जो आपको चला रहा है, जो मोटिव्स हैं, इन सब का स्टडी हम किस में करते हैं, बिहेवियरिज्म में करते हैं। ह्यूमनिज्म क्या होता है, मानवतावाद, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग्स। सो पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ पे क्या मतलब, अगर आप मानव हैं, आप ह्यूमन हैं, तो आप मानवता में बिलीव करते हैं, ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं, तो आपको ये माना है कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट में सुशांत ने सुसाइड किया है ना, तो इस तरह का अगर निगेटिव एटीट्यूड आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो हम उस तरह चले जाते हैं, फीलिंग्स इमोशंस, तो इन सब से बचने के लिए जो लोग ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं वो किस में बिलीव करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, साथ में पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हम कौन हैं इसको हम जान सकते हैं, फ्रीडम टू लर्न जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को सीखना, हम क्या सीखना चाहते हैं, वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, एंड बिकम अ पर्सन, तो यहाँ पे हम एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश रहती है, एंड सेल्फ डायरेक्शन जिसमें हमें कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे हमें खुद से डायरेक्शन मिलती है। कॉग्निटिज्म क्या है, कॉग्निटिज्म जिसको संज्ञानवाद बोलते हैं, सो डाइवर्स थिंकिंग का मतलब है डेवलप डाइवर्स कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सोच सकते हैं, डाइवर्स तरीके से, साथ में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि जो चीज़ों को किस तरह से रिफ्लेक्शन है, और क्रिटिकल यानी कि गहन चिंतन। तो अगर तीन तरह का थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करना कॉग्निटिज्म कहलाएगा, साथ इमेजिनेशन आपकी कल्पना शक्ति क्या है, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से क्रिएटिव हैं चीज़ों को लेके, एंड डेवलप प्रॉपर परसेप्शन आपका परसेप्शन क्या है दूसरों को देखने का, चीज़ों को देखने का। तो ये जो सारे टर्म्स हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे कॉग्निटिज्म जिसको हम बोलते हैं एक तरह से संज्ञानवाद से रिलेटेड ये टर्म है आपका।
नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको पुनर्संरचनावाद कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी माना जाता है, कि सीखना एक सोशल एक्टिविटी है, साथ ही सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लर्निंग। जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारी कहीं ना कहीं लर्निंग में इन्फ्लुएंस होता है। कोऑपरेट, कोलैबोरेट एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन अलाउ स्टूडेंट टू डिस्कस आइडियाज, बिलीव एंड मिसकंसेप्शंस। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, हमें नहीं समझ में आता है क्या सही है गलत है। जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपने एक विश्वास कर लिया कि नहीं यही अच्छा है ये खराब है, या जो भी आइडियाज़ हैं आपके, उनको डिस्कस करना, इसके साथ कोऑपरेट करना, कोलैबोरेट करना और इन्वेस्टिगेशन टाइप का। तो ये जो सारे अप्रोच हैं, ये सारे के जो टर्म रिलेटेड हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा टर्म किससे रिलेटेड है, तो आप जब इसको नोट्स को फोटोस्टेट कराएं या इसको आप नोट्स बना रहे हैं, तो सिर्फ आपको ये हेडिंग डालना है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके साथ आपको लिखना है कोऑपरेट, कोलैबोरेट एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कशन आइडियाज एंड क्लियर योर मिसकंसेप्शन। तो इस तरह से आपको ये चार पांच पॉइंट लिख के अपना नोट्स बनाना है या इसी को हाईलाइट करना है, क्योंकि ये आपको इससे रिलेट करके याद भी रखना पड़ेगा, है ना। सो हायर लेवल थिंकिंग इज इनकरेज। तो हायर लेवल थिंकिंग कहाँ इनकरेज की जाती है, तो हायर लेवल थिंकिंग आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म में इनकरेज की जाती है कि आप बहुत उच्च स्तर का सोच पाए। स्टूडेंट यूज टू इंगेज इन डिस्कशन दैट चैलेंज देयर प्रोसेस ऑफ माइंड। तो इसमें डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में कोलैबोरेट करके पढ़ने का, कोऑपरेट करके पढ़ने का, इन्वेस्टिगेट करके पढ़ने का। यहाँ पे इस तरह का करिकुलम की अप्रोच हो सकती है जिसमें इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। अब इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कोऑपरेट या कोलैबोरेट या ग्रुप इन्वेस्टिगेशन ये किस तरह की अप्रोच से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, या फिर आप साइकोलॉजिकल भी आंसर हो सकता है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे बेंचमार्किंग, कि बेंचमार्किंग क्या है। सो बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वंस आउटपुट और वर्क प्रोसेस। तो बेंचमार्किंग जो शब्द है, बेंचमार्किंग आपका आपके सिलेबस में कई जगह यूज़ हुआ है कि बेंचमार्किंग क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा आप जर्नली समझने की कोशिश करिए। मेरी क्लास में जैसे 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों में से एक बच्चा है सपोज जिसका नाम है एस, और इस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि जो ये बच्चा एस है, आपको इसकी तरह बनना है, तो मैंने आपके लिए एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया, कि आपको कंपेयर कर दिया किसके साथ, इस एक बच्चे के साथ, कि अब आपको इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। तो बेंचमार्किंग बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम एक कंपैरिजन करके, एक स्टैंडर्ड तरीके से उसको कंपैरिजन कर देते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको फॉलो करना है। सो बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूस सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वंस आउटपुट और वर्क प्रोग्रेस। तो हम किसी की जैसे अगर मैंने ये बेंचमार्किंग बना दिया कि मैंने अगर 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो अगर 10 में से 10 आता है तो इसी को मैं अच्छा मानूंगी, उसके बाद जितना भी स्कोर है उसको मैं अच्छा नहीं मानूंगी। तो आपकी प्रोग्रेस को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपके आउटपुट को क्या करूंगी, मैं मेजरमेंट करूंगी कि आप मेरी बेंचमार्किंग पे कहाँ पे आ रहे हैं। सो मेजरमेंट करते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हम इसमें आपकी वीकनेस देखेंगे, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या कमियां हैं, टू हेल्प टू Satisfy better needs by establishing new standard and goals। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए क्या होता है कि मेरी क्लास में हर बच्चे की 10 में से 10 आने लगते हैं, तो मुझे फिर अपना लेवल चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे 20 नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अब मैं उसमें फिर से नया एक स्टैंडर्ड गोल दे सकती हूँ, और उस गोल्स के अकॉर्डिंग आप उसको नई बेंचमार्किंग डिसाइड कर सकती हैं। मोटिवेट टू रीच न्यू स्टैंडर्ड एंड टू बी टेकिन टू ऑन न्यू डेवलपमेंट। तो नए डेवलपमेंट क्या है उनको लेके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इट हेल्प टू इम्प्रूव द कम्पटिटिव एडवांटेज। तो इसमें हम हेल्प, ये हमारा हेल्प करता है कम्पटिटिव एडवांटेज में। कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसके 10 में से 10 मार्क्स आते हैं, तो ये आपके लिए तो एक बेंचमार्किंग हो गया। तो इससे आपके अंदर क्या डेवलप होगा कि आपके अंदर कम्पटिटिव फीलिंग आएगी कि मुझे भी इसी स्टैंडर्ड तक अपने आप को ले जाना है। सो ये था बेंचमार्किंग का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि रोल ऑफ यूजीसी का क्या रोल है यूजीसी का यहाँ पे करिकुलम के डेवलपमेंट में।
सजेशन टू इंटीग्रेट कोर्सेज विद यूजीसी यूजी एंड पीजी कोर्सेज एंड अदर डिसिप्लिन। तो यूजीसी यहाँ पे क्या करता है कि सजेशन देता है कि किस तरह के कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे चलाने हैं, साथ ही ऑप्शन सब्जेक्ट शुड बी ऑफर टू स्टूडेंट ऑफ बोथ, कि क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट्स रखने हैं यूजी पीजी लेवल पे। इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर रिलेटेड बॉडीज टुवर्ड्स करिकुलम डेवलपमेंट लाइक एनसीटीई। तो यहाँ पे एनसीटीई के साथ मिलकर दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको क्या काम देखना है, मुझे क्या काम देखना है। तो ये सारी बॉडीज़ मिलके करिकुलम डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। जैसे आप जो बीए बीएससी में पढ़ते हैं वो आपके स्कूल या कॉलेज द्वारा डिसाइड नहीं होता है, ये आपका पर्टिकुलर यूजीसी एनसीटीई के द्वारा आपका पूरा करिकुलम डिज़ाइन होता है। वहाँ से आपके कॉलेज को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। तो ये इन सब का रोल होता है कि उसको रेगुलेट करना, उसको देखना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। इसके साथ साथ इट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। अब यूजीसी को लगता है कि उसने जो करिकुलम डिसाइड किया है या उसने एनसीटीई ने जो करिकुलम बनाया है उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई सेमिनार की ज़रूरत है, कोई वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, तो टाइम टू टाइम पे ये सब ऑर्गेनाइज कराना भी इन लोगों का काम रहता है। इट अलाउ टू प्रोवाइड फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट। अब आफ्टर ऑल अगर बात करें कि हमें ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करना है, देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है। तो अब इसके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है हायर एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन में आपका एनसीटीई कर रही है, हायर एजुकेशन में आपका यूजीसी कर रही है। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं तो इसमें अब इसके लिए ये बॉडीज़ हैं, ये एजेंसी हैं। अब इनका काम क्या है, फिर अगर आप बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है तो उसको फेलोशिप देना और स्कॉलरशिप देना, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। सो ये अलाउ करती है फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप के लिए। इट मीडिएट्स इंटरेस्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किस तरह का एक मीडिएटर की तरह से काम करती है यूजीसी एनसीटी। इसके साथ एडवाइस एनी अथॉरिटी ऑन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी। इसके साथ ये एडवाइस करती है किसी अथॉरिटी को कि अगर नई यूनिवर्सिटी बनानी है कि नहीं बनानी है। लिंक्स द एजुकेशन ग्लोबली, है ना। एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमें इंडिया में आपने मेडिसिन का डिग्री लिया तो आप आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, या फिर आपने यहाँ से कोई पढ़ाई किया है तो आप दूसरी जगह जाते हैं या दूसरी लोग जगह के लोग यहाँ आते हैं। तो लिंक करना है एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड वाइड, ताकि हम पूरी एजुकेशन को आपस में कनेक्ट कर सकें। तो बेसिकली ये जो सारे काम होते हैं ये यूजीसी और एनसीटीई के रहते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इट लेज डाउन द गाइडलाइन फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड फॉर एन इंडिविजुअल टू टीचर इन स्कूल एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर के लिए जो स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के लिए। इट साथ में ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि प्रोविजन ऑफ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, स्टाफिंग पैटर्न्स फॉर द कॉम्प्लायंस एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपने स्कूल खोला है तो आपके यहाँ कितने एक प्रिंसिपल होगा, उसके अंडर में कितने टीचर्स होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, कितने स्टूडेंट के ऊपर कितने टीचर्स होंगे, कितनी कुर्सियाँ होंगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, ये जो सारी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितना कुछ है उसको कौन करता है, एनसीटीई इसकी गाइडलाइन देती है। साथ में ये रिस्पेक्ट टू एग्जामिनर, किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, किस तरह का कैसे क्राइटेरिया डिसाइड होगा, कैसे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, कैसे एडमिशन होगी, क्या कोर्स का स्कीम होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, तो ये जो सारी चीज़ें डिसाइड करता है वो आपका कौन करता है, एनसीटीई करता है। इट प्रमोट्स द कंडक्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्कूल एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड देन डिसमिनेट द रिजल्ट देयर ऑफ। सो इट प्रमोट्स एंड कंडक्ट्स रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्कूल एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन देन। तो यहाँ पे इसका काम क्या है कि रिसर्च, कोई नई रिसर्च होनी है या कोई नया इनोवेशन लागू करना है तो इस सारी चीज़ों को ये इंस्टीट्यूशंस को एडवाइज़ करता है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट एग्जामिन
इट्स ऑन लेड डाउन गाइडलाइंस नॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट. तो ये अपने जो उसके खुद के सारी गाइडलाइन है, जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स है, उसको भी ये इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है. कि अगर बी एड देखिए आप, पहले एक साल का होता था, फिर दो साल का होने लगा, एम एड पहले वन ईयर का था, अब टू ईयर का. तो ये टाइम टू टाइम जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उसमें चेंज किया जाता रहता है. सो ये अकॉर्डिंग टू टाइम है. सो गाइज, ये था आपका करिकुलम का पार्ट ए, जिसमें आपने देखा यूनिट 5 का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पार्ट ए कवर किया है. अब आप लोगों को क्या करना है कि इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, इसमें आप चाहे तो नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाना है तो प्रिंट लीजिए, प्रिंट लेके आप हाईलाइटर का यूज़ करके इतने हुए पढ़ाई करिए. लेकिन आज का काम आज ही ख़त्म करना है, और जितना हार्डवर्क मैं करूँगी उससे डबल आपको करना है. सो आज का काम आज ख़त्म करना है. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो बेस्ट है, नहीं है तो मार्केट से लीजिए. और कोशिश करिए कि जब तक करिकुलम ख़त्म हो तब तक एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपको करिकुलम का कहीं नोट करना है और उसको लर्न करना है. ये आपका होमवर्क है मेरी साइड से. जब तक ये आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका आप उतना ही नेट से दूर हैं. ठीक है, आप और नेट और जेआरएफ के बीच में बहुत बड़ा बैरियर है कि आपको जैसी यूनिट हो रही है वैसे वैसे उतने टाइम में आपको इस यूनिट से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढने हैं. करिकुलम जहाँ पे भी आपको दिख जाए बस उस क्वेश्चन को आप लिखिए, और लिखने के बाद उसको लर्न करिए. ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कर लेना है. ठीक है, याद होने ही चाहिए, एकदम से टिप्स पे याद होने चाहिए. जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे आप उतने ही नियर पहुंचते जाएंगे अपने एग्ज़ाम के. ठीक है, ये आपको करना ही करना है. और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगी कि आप स्टडी कर रहे हैं. मैं आपको करके दे दूंगी पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक आप ये मेहनत खुद नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, रही बात कि आपको कहाँ से प्रीवियस ईयर मिलेंगे, कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट से. आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, अगर आंसर में कोई डाउट होगा तो जब आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो आपके ऑलरेडी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम इस पर डाउट क्लास बाद में लेंगे. टेक केयर.